बिसम ला रहीकम वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाज़त में रखे आमीन तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोग से शेयर करने लगी हूँ शाही माश दाल और जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है दाल जो माश की छिलकू के बगैर मैंने ले ली थी इसको मैंने आधा घंटा जो है ना पानी में भिगो के रख दिया था और साथ मैंने लिया चिकन चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था इस तरह मैंने पीसीस में इनको कर लिया और साथ मैंने लिया टू टीस्पून अदरक और लसन का पेस्ट और मैंने साथ लिया टमाटर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है टू टी और साथ मैंने लिया है प्याज इनकी मैंने कटिंग कर ली है और साथ मैंने लिया है टमाटर टमाटर को मैंने छिलका उतार के तो इस तरह मैंने इनकी के, जो है ना इनको कटिंग में कर लिया है और साथ ये मैंने लिया है अदरक और ग्रीन चिली और साथ वन पीस मैंने लिया है दालचीनी का और साथ धनिया लिया मैंने सबस और साथ मैंने जो है ना पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और अभी इसमें मैंने प्याज़ ऐड कर दिए हैं और अब जो प्याजों को मैं थोड़ा सा ब्राउन करूंगी प्याजों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि जो माश शाही माश दाल होती है वो थोड़ी वाइट वाइट सी होती है और अभी एक तरफ जो है ना मैं को मैंने कर दिया है और एक तरफ जो है ना मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है अब दोनों को मैं साथ ही इकट्ठे फ्राई करूँगी इसलिए भी कि एक तो टाइम की जो है ना बचत हो जाती है इसलिए मैं साथ ही कर लेती हूँ और मेरे पेज को करें सब्सक्राइब लाइक और शेयर ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और जी ये ये फ्राई हो चुके हैं प्याज़ और टमाटर और अभी इनमें जो है ना मैं मसाले ऐड करूँगी वन टीस्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड की है और वन टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है वन टीस्पून इसमें हशक धनिया पाउडर हाफ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा और एक पीस जो है ना वो मैंने दालचीनी का ऐड किया है इसमें और वन टीस्पून हल्दी और ये मैंने जिसमें चिकन बॉईल किया था ये वो सूप है मतलब पानी वो वाला तो इसको मैंने वेस्ट नहीं किया अब इसी को जो है ना इसमें मैं यूज़ करूँगी भूनते हुए भी और बाद में भी जो बचेगा इसमें मैं दाल में इसको ऐड कर दूँगी और अभी इनको मैं अच्छे से जो है मसाले को भून लूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें ये जो पानी होता है ना जिसमें हम चिकन बॉयल करते हैं इसका बहुत अच्छा सा जो है ना आ, सूप सा इस तरह बन जाता है इसमें बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है तो इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए तो जो हम खाना वगैरह बना रहे हों जो रेसिपीज बना रहे हों उसमें यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें फिर जो है ना चिकन का बड़ा अच्छा सा जो है ना वो टेस्ट आ जाता है अब मसाले को मैंने भून लिया है और अभी इसमें मैंने किया चिकन ऐड जो मैंने बॉईल किया हुआ था और अब थोड़ी देर जो है ना मैं इसको चिकन को मसाले में भून लूँगी बहुत ज़्यादा चिकन को जो है ना नहीं भूनना क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने बॉईल किया हुआ है यानी गल चुका है बस थोड़ा इसमें को मसाले में मैं भून लूँगी और अभी जो है ना मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और जी अभी इसमें मैंने दाल को ऐड किया है और दाल को भी मैं थोड़ी देर बस भूनूंगी इसमें और फिर इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा पानी जितनी मतलब दाल है उसके हिसाब से जो है ना इसमें पानी ऐड कर दूंगी बहुत ही मज़े की और यमी बनती है ये दाल थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है सिंपल दाल से और अभी इसको जो है ना मैं लो फ्लेम पे चूल्हे को कर दूंगी और ऊपर ढक्कन दे दूंगी और जी मेरी दाल तकरीबन हो चुकी है तैयार बल्कि तैयार हो चुकी है अब गार्निश के लिए मैंने इसमें धनिया ऐड किया है और ग्रीन चिली और ये देखा मैंने बिल्कुल वाइवाइट वाइट का वाइवाइट वाइट साइज़ का कलर रखा है और साथ मैंने जो है ना इसके अदरक भी उसके भी जो है ना मैंने पीस कटिंग की हुई है वो। और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा बहुत ही मज़े की और जमी बनती है और जी इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत इन नई रेसिपी नई ब्लॉग में होगी आपसे बात तो अपना बहुत